सरकार जदयू और बीजेपी सहमत का खेल। संजय जायसवाल जी और राजीव प्रताप रूडी एक तरफ केस थ्री, खुद रामा देवी ने उन्हें यह बात कह दिया कि आप विदेश घूमने से फुर्सत नहीं है, वहीं से ज्ञान प्राप्त करते। जिन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, सिर्फ उनके भ्रष्टम आचरण के कारण, चारित्रिक आचरण के कारण पूरी दुनिया को खबर है कि आखिर इन लोगों की उपयोगिता क्या है, ये लोग दिल्ली में किस तरह के माहौल में जीते हैं, अपने विभाग से इन्होंने क्या किया। पूरी भारत की जनता का पैसा कुछ मुट्ठी भर कुनबों के बीच और अपने रसूखदार चीजों पर इस्तेमाल किया। लंबा ख्वाब कभी नीतीश कुमार को नंबर वन कहने वाला, आज मिर्ची लगनी लगी। संजय जायसवाल जी 2005 में लालू यादव जी के साथ थे, ये बिहार बटा कैसे? बिहार बांटने में सबसे बड़ी भूमिका तो बीजेपी की है। परेशान आत्मा थे, बिहार की चिंता नहीं थी, झारखंड में कुर्सी पर बैठने की चिंता थी। उनको लग रहा था कि बिहार से अलग हो जाएंगे तो झारखंड में बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री हो जाएगा और झारखंड को लूट भी लेंगे, पहली बार मुख्यमंत्री बनके लूट लिया गया। वहां के आदिवासी सुन पे चले गए, खाने के लिए तरस रहे। बचा बिहार तो 14 करोड़ खाली, बाढ़ से हम तीन हिस्से बाढ़ थे लगभग और डेवलप कर गए हम। बाढ़ पर कभी पैकेज की घोषणा या बाढ़ से बचाने की कोई प्रयास कभी बीजेपी 16 सालों में की? और पहला सवाल संजय जायसवाल जी आपसे है कि नरेंद्र मोदी पहली बार जब गांधी मैदान में स्पीच दे रहे थे तो स्वयंभू नेता बनकर भगवान भी बनने का प्रयास किया, कृष्णधाम कह करके ठगने का काम किया, और उस दिन आपने विशेष राज की बात की थी कि सरकार दो और विशेष राज लो, लोग बम से मरे, तो जो पीएम बनने के बाद उस घर की सूद ही नहीं ले सका, आप आर्थिक रूप से उसकी मदद नहीं कर पाए, नौकरी तो छोड़ दीजिए,